इमरान खान की सरकार के अविश्वास प्रस्ताव में हार। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 11 अप्रैल को नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए करेगी मतदान। इमरान खान अपनी सियासी पारी में हुई क्लीन बोल्ड। सोशल मीडिया की पिच पर जमे इमरान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग इमरान खान। पाकिस्तान से इमरान खान की सरकार जाते उनके करीबियों पर एक्शन शुरू। उनके प्रवक्ता डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर छापेमारी। पीटीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी जानकारी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के ट्रेन स्टेशन पर हमला करने से किया इनकार। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लगाया आरोप। रूसी सैनिकों ने जानबूझकर ऐसे स्थान को बनाया निशाना जहां आम नागरिक एकत्रित थे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी। ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने की ज़ेलेंस्की से मुलाकात। कीव में हुई बोरिस जॉनसन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ट्विटर अकाउंट हैक। हैकर ने यूजीसी हैंडल को डीपी और बैकग्राउंड वाली तस्वीर बदली। सैकड़ों यूजर्स को टैग करके सैकड़ों ट्वीट भी किए। देशभर में आज रामनवमी की धूम। पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं। भीषण गर्मी ने राजधानी दिल्ली में गर्मी का बना दिया नया रिकॉर्ड। शुरुआती 15 दिनों के पखवाड़े में 42.4 डिग्री सेल्सियस के साथ शनिवार का दिन बीते 72 सालों में सबसे गर्म रहा। निकोबार द्वीप समूह में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.9 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। देश में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले। देश भर में कोरोना के 1054 नए केस मिले। 29 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट एक्सी का अब दूसरा मामला आया सामने। मुंबई के सांताक्रूज में 67 वर्षीय व्यक्ति एक्सी वेरिएंट से संक्रमित। आज से 18+ एज ग्रुप वाले लगवा सकते हैं कोरोना का बूस्टर डोज। बूस्टर डोज सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उपलब्ध। कोरोना वैक्सीन की कीमतें घटी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन 225 रुपए में मिलेंगी। सभी को प्रिकॉशन डोज देने की घोषणा के बाद घटाए गए दाम। गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति आज माधवपुर और पोरबंदर में माधवपुर घेर मेला 2022 का करेंगे उद्घाटन। 11 अप्रैल तक गुजरात दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। 12 अप्रैल को अमित शाह से मिलेंगे भगवंत मान। अमरिंदर सिंह बराड़ को मिली पंजाब कांग्रेस की कमान। पंजाब कांग्रेस के बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के इस्तीफे के बाद से खाली था अध्यक्ष पद। पंचकुला में बीजेपी की जन विकास रैली का आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। सीएम ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के गुरु रविदास महापीठ के 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन समापन सत्र में की शिरकत। गुरु रविदास धर्मशाला में बनने वाली पार्किंग का किया शिलान्यास। गुरुग्राम जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 14 अप्रैल को गुरुग्राम पहुंचेंगे जेपी नड्डा। गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा बजट। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। फतेहाबाद में नींबू के दाम 300 रुपए के पार। 10 रुपए में मिल रहा एक नींबू। हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जाखो मंदिर में जेपी नड्डा ने की पूजा अर्चना। नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने की तैयारी तेज। विध्वंस सामग्री की प्रभावशीलता की हो रही जांच। आसपास के रहने वाले लोगों को किया गया स्थानांतरित। यातायात को भी किया जाएगा डायवर्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बड़गाम में आतंकियों के सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार। आतंकियों के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से गोला बारूद और हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में मारे गए 45 आतंकवादी। आईजीपी विजय कुमार ने दी जानकारी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले में शामिल था आतंकी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।